दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है इंटरेस्टिंग और साथ ही इम्पॉर्टेंट। अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर बना रहे हैं डिस्पेंसर मशीन्स, सोप या सैनिटाइजर कोई भी, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से सेंसर यूज करना बेस्ट रहेगा जिससे आप कम से कम प्राइस में और साथ ही आसानी से बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के बना पाएंगे एक डिस्पेंसर मशीन। तो करेक्ट और कम्प्लीट नॉलेज के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। और हाँ न्यू व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बाजू वाली घंटी बजा दीजिए। तब तक हम आपके बिजी शेड्यूल का ध्यान रखते हुए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। तो दोस्तों तीन सेंसर्स पर हम फोकस करने वाले हैं, आयर सेंसर, टीसॉप सेंसर और फोटोइलेक्ट्रिक आयर सेंसर। शुरू करते हैं आयर सेंसर से। तो इस सेंसर से तो आप वाकिफ होंगे ही, आयर टेक्नोलॉजी यूज करता है ये सेंसर और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। रेंज इसकी होती है 5 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक और इंडोर कंडीशंस के लिए ये बेस्ट है। आउटडोर कंडीशंस यानी एक्सट्रीम डे लाइट कंडीशंस और एक्सट्रीम डार्क कंडीशंस में ये बहुत ही पुअर एफिशिएंसी देता है। और वैसे इस सेंसर के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल से सब कुछ मिल जाएगा। और सेंसर्स के साथ हमें एक डिले टाइमर की भी जरूरत होती है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है, 555 टाइमर आईसी वाला डिले टाइमर, जिसमें आप 1 सेकंड से 3 सेकंड तक का डिले टाइम एडजस्ट कर सकते हैं जो डिस्पेंसर्स के लिए काफी सफिशियंट है। और ये 555 टाइमर सर्किट 5 वोल्ट पर चलता है और ये सर्किट भी आपको इंडोर कंडीशंस में ही यूज करना है। आउटडोर कंडीशंस में टेम्परेचर की वजह से ये उतना आउटपुट एफिशिएंटली नहीं दे पाता। तो इस किट की प्राइस वगैरह सब हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। अभी नेक्स्ट सेंसर की तरफ बढ़ते हैं जो है टीसॉप सेंसर। तो दोस्तों फिलहाल ये सेंसर सबसे ज्यादा डिमांड में है इसके ईज ऑफ ऑपरेशन की वजह से, साथ ही रेंज की वजह से। रेंज इसकी जो होती है वो 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक की होती है। 4 पिन्स होती हैं इसमें, 2 पावर सप्लाई की और 2 आउट की। तो पावर सप्लाई आप 12 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी दे सकते हैं और आउटपुट भी डायरेक्टली ये मोटर को ड्राइव कर सकता है उस वोल्टेज पर। जैसे आप 12 वोल्ट देंगे तो 12 वोल्ट की मोटर को आप डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं और सेम 24 वोल्ट के साथ भी। सबसे ईजी कनेक्शन और ईजी सेटअप होता है इस सेंसर का और टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं होती। टीसॉप सेंसर पर एक्सट्रीम डेलाइट और एक्सट्रीम डार्क कंडीशंस का भी असर नहीं पड़ता है, ये उतनी ही एफिशिएंसी देता है। अगला सेंसर भी दोस्तों एक खास सेंसर है जो है फोटो इलेक्ट्रिक आयर सेंसर। इस पर हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल वीडियो है, आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रेड सेंसर होता है ये, जिसमें रेंज आपको 10 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही इसके एक डिले टाइमर सर्किट भी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप 1 सेकंड से 24 सेकंड तक का डिले टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। इतने डिले टाइम एडजस्टमेंट का यूज करके आप एक टनल मशीन भी बना सकते हैं। ये सेंसर 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट पावर इनपुट को सपोर्ट करता है। इस सेंसर पर भी एक्सट्रीम डेलाइट और एक्सट्रीम डार्क कंडीशन का कुछ असर नहीं पड़ता है एफिशिएंसी पर इसके। वैसे ये तो हुआ सेंसर्स के बारे में। अगर आपको डिस्पेंसर मशीन्स में सोलेनोइड वॉल यूज नहीं करना है, बिल्कुल एलिमिनेट ही करना है, तो एक ऐसी स्पेशल मोटर भी अवेलेबल है जिसका यूज करके सोलेनोइड वॉल को प्रोजेक्ट से हटा सकते हैं। अगर आप ये मोटर यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा सैनिटाइजर या सोप सॉल्यूशन बच सकता है। और इस मोटर की परचेस लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पावर सप्लाई की बात करें तो 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट अकॉर्डिंग टू द मोटर्स आप यूज कर सकते हैं। पावर अडाप्टर्स इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और फाइनली एक कंटेनर लगेगा हमें, आरओ बॉडी या सिमिलर। तो इंडिया मार्ट पर आपको काफी आरओ बॉडीज या कंटेनर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आरओ कंटेनर्स, आरओ बॉडीज काफी हेवी यूनिट होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में जिनका डैमेज होने का खतरा बना रहता है और साथ ही शिपिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस भी एक्स्ट्रा लगते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि आप घर के आसपास जो लोकल आरओ स्टोर्स हैं वहां से आरओ कंटेनर परचेस करके ले। तो दोस्तों अब तक आपको एक ब्रॉड आइडिया आ गया होगा कि किन किन चीजों का यूज करके इजीली एक डिस्पेंसर मशीन आप बना सकते हैं। अब प्राइस की बात करें तो नॉर्मल आयर सेंसर जो है वो आपको 20 रुपए से 50 रुपए तक देखने को मिलेगा। टीसॉप सेंसर 300 रुपए से 350 रुपए तक और फोटो इलेक्ट्रिक आयर सेंसर की जो प्राइस है वो 450 रुपए से 600 रुपए तक देखने को मिलेगी। 555 टाइमर किट की बल्क प्राइस आपको 120 रुपए से 150 रुपए तक देखने को मिलेगी और साथ ही वो स्पेशल मोटर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी अलग से। तो सारी परचेस लिंक्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सिंगल यूनिट परचेस लिंक, बल्क क्वांटिटी परचेस लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अगर आप कोई पर्सनल इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव होंगे तो हमें कमेंट करना ना भूले। अगर हमारा कंटेंट आपकी लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड करता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही को दिखेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।